हमारी जलालत चेक करो। इतनी धूम में हम ऑरेंज ट्रेन तक पहुंचने के लिए जा रहे हैं क्योंकि जैचा का घर है बहुत दूर और इन ड्राइव हो नहीं रही थी और हम बहुत लेट हो रहे हैं। अबू बहुत बोल रहे थे बच्चे जो है मुझे देख के हंस रहे हैं कि मैंने नोज रिंग पहनी हुई है। तो यार ब्लॉग चल रहा है, शर्म कर लो यार। अभी मुझे बॉल लगती है। ओ यार सफा तो पागल है यार। ये सारे बच्चे पता है कि बैठे हैं ईदी मिलने के लिए। वेलकम एवरीवन, प्यारे मुसलमानों सबको ईद मुबारक। सबको 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 ईद मुबारक। वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग ऑन माय चैनल। उम्मीद करती हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत ठीक ठाक होंगे। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। ट्यून इन कर लो तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। यार आप लोगों को पता ना कि चांद रात मेरी किस तरीके से गुजरी थी, तो अब उठते उठते देर हो जा रही थी। ईद पे जल्दी उठ के तैयार, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम बड़ा जल्दी उठी होती, अभी जाके तो तैयार हुई। मैंने 10 मिनट में तैयार हुई हूँ यार। चल झूठा। सो जनाब आज हम लोग जा रहे हैं, जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि सोमा भाई को पाकिस्तान से निकालने जा रहे हैं, तो आज हम जा रहे हैं पुप्पो की तरफ। ईद का फर्स्ट डे जो है उनकी तरफ गुजारेंगे। वैसे तो सेकंड डे गुजारते हैं लेकिन हम पहला वाला दिन गुजारेंगे आज। सो मैंने जो है सोचा था कि मैं थोड़ा सा फैंसी ड्रेसिंग करूंगी, लेकिन मैंने फैंसी ड्रेसिंग कैंसिल कर दी क्योंकि सोमा भाई की फ्लाइट है। तो हमने कहा हमें वहाँ स्टे करना पड़ सकता है, कुछ भी करना पड़ सकता है। तो मैं जो है वो थोड़ी सी ईजी वाली ड्रेसिंग करूँ। गर्मी भी इतनी ज़्यादा है तो मेरा यह ख्याल है ईजी वाली ड्रेसिंग मुझे करनी चाहिए। तो मैं जल्दी से जाती हूँ, मैंने मेकअप वगैरह कर लिया, अब जल्दी से जाती हूँ। मैं तैयार होती हूँ, फिर आपके साथ मिलते हैं, आके वापस आके आपको मिलते हैं। ईद मुबारक। गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैं ऊपर आई थी बिंदुदारा सिंह के अलमारी से दुपट्टा मैच करने के लिए क्योंकि इस ड्रेस के साथ मेरे पास दुपट्टा नहीं था। अचानक यार डिसाइड हुआ कि मैंने ये पहनना है और ये है हल्की फुल लुक। अब मैं ऐसे दिखा सकती हूँ। सो अब जो है हम लोग निकलने की तैयारी करने लगे हैं क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया वहाँ से। जैचा की बहुत ज़्यादा कॉल आ रही है, मैंने तो उठाई नहीं उसकी कॉल क्योंकि कल मैं उसे पूछ रही थी कितने बजे आना है, तो कह रहा था कि जब मर्ज़ी आ जाओ। तो फिर मैंने कहा ठीक है हम जब मर्ज़ी ही आएंगे। गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है कि मुझे लग रहा है मुझे बाल भी बांध लेने चाहिए। अब हम नीचे चलते हैं, देखते हैं सारे रेडी हुए हैं कि नहीं हुए, मूव करते हैं। कमरा समेटा था और अब ये दोबारा से पूरा का पूरा कमरा बिखर गया क्योंकि अभी जो है वो सारे रेडी हो रहे हैं और वहाँ से बार बार कॉल्स आ रही हैं। और ये हाल देखो बैठ, ये लोग तो तैयार होने में लगा रहे थे टाइम। वैसे हमने इन ड्राइव करवा दी है, अब इन ड्राइव आ रही है। तो मैं जो थी वो बाहर आई थी कि मैं थोड़ी रील्स बना लूँ, थोड़ी टिकटॉक बना लूँ, लेकिन हुआ ये कि इतनी गर्मी लग रही, इतनी गर्मी लग रही है कि मैंने वापस फैसला किया कि मैं अंदर ही चली जाती हूँ। हमारी जलालत चेक करो, इतनी धूम में हम ऑरेंज ट्रेन तक पहुँचने के लिए जा रहे हैं क्योंकि जैचा का घर है बहुत दूर और इन ड्राइव हो नहीं रही थी और हम बहुत लेट हो रहे हैं। अबू बहुत बोल रहे थे, आधे लोग पहुँच चुके हैं और मैं ये रोड के ऊपर व्लॉगिंग कर रही हूँ। चेक करो ज़रा, एक तस्वीर नहीं ली, एक टिकटॉक नहीं बनाया। गर्मी इतनी लग रही थी, मैं कहा दफा करो यार सारा कुछ। हो ये अजीब लगना क्या। मुझे क्या उन्होंने बुलाया था और अब बजने वाले हैं 5। अब आदि भाई जो है वो स्मया और बिंदुदारा सिंह और अन्ना को पिक करने गया रास्ते से, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं। और ऑरेंज ट्रेन का हमने फैसला इसलिए किया क्योंकि जल्दी हमें पहुंचा देंगे। ओके, कैमरा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट है, मुझे पता नहीं चला मेरा चेहरा इसमें आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हुआ है अच्छा खासा सा रश, बहुत सारे बच्चियाँ बच्चे सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। नीचे तो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया नहीं क्योंकि वो बहुत सारे थे मिलने मिलाने में लगे रह गए। हम ऊपर आए हैं फोटो शूट करने के लिए और फातिमा जो है हंसी जा रही है, हंसी जा रही है, हंसी जा रही है। क्या हुआ क्या हुआ ताऊ जी, क्या हुआ? क्यों मुंह देख के क्यों हंसी आ रही ताऊ जी, क्यों हंसी आ रही है? बच्चे जो है मुझे देख के हंस रहे हैं कि मैंने नोज रिंग पहनी हुई है, तो इसलिए मुझे देख के हंस रहे हैं कि ये आपने क्या पहना हुआ। तो बेइज्जती हो, गजब बेइज्जती है। मैंने अभी कैमरा ऑन किया तो लेकिन दो दफा कुछ किए नहीं है यार। आज मैंने सोचा था यार जफर ना व्लॉग ना खराब कर यार। तो मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे मेहंदियाँ रखी हुई हैं और मैं सोच रही हूँ इनमें से कोई एक आधी निकाल के लगा लूँ क्योंकि मैंने मेहंदी लगाई नहीं है। किसकी मेहंदी है ये? तो फिर आप मुझे ये लगा दो कि आपको आती लगानी है। सीधा मुंह पे बेचती। ओहो सबर, हाँ चलो ओके एक मिनट। अच्छा यार लाइट खत्म हो रही है, जल्दी आ जाओ लड़कियों। हाँ लो 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 लो।
यार वो तैयार तो हो जाए लेने के लिए। स्टिल खड़ा है यहाँ देख क्या हो रहा है यहाँ पे पाक सर जमीन जा। हसन ने ना बेसिकली यहाँ पे जैफा ने कोई पोस्ट किया तो उसको लेने के लिए। यार ब्लॉग चल रहा है शर्म कर लो यार। रीम देख रहे हैं जैफा भाई का क्या हो गया। बेटा ब्लॉग बन रहा है। यार बदतमीज कल सुबह बदतमीज यार वो कैसे करेगा ये यार। अरे ठुमकी लगा के दिखा रहे यार। वोट करो सारे उसके ठुमकी के लिए। जफा पेट अंदर कर। नहीं जफा जो तुमने करना है अली और उमर ने भी वही करना है। अली कैसे चेड़ा तू लग रही है। खाना लग चुका है और जाते मैं ओ अभी मुझे बॉल लगती। ओ यार जफा तू पागल है यार। लगता ही है पागल हो गया यार। ओ चल खाना खा ले। सुबह का नाश्ता नहीं किया हुआ फाइनली में अब जाके खाने लेंगे वो भी 6 बजे। 6 बज रहे यार। सबर हो रहा है सुन तुमसे व्हाट इज दिस बिहेवियर यार। मैं टिकटॉक बना रही हूं। ओके मेहंदी लगवा रही है दिखाना तुझे कितनी प्यारी कितनी पैड़ी मेहंदी प्यारी सी पैड़ी मेहंदी लगाई है तुमने। उगवानी दी है वो औरत धोखेबाज औरत। चुप कर बे कुत्ते। ईदियाँ जो हैं बढ़ चुकी हैं। बिंदु दारा सिंह ने अपने पहले ही फोन के पीछे छुपा लिया। सावा भाई मांडने लगे ईदी। मम्मी ये सारे बच्चे पता क्यों बैठे हैं ईदी मिलने के लिए। तो जनाब आप लोगों को पता है ये सारे यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं। बच्चा पार्टी इसलिए इकट्ठा हुआ है क्योंकि जैफा भाई जो है अपनी जेब हल्की करने लगे हैं। चलो जैफा भाई आवाज़ें लगा दो यार। ओए होए 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 कह रही है दो। हाँ सबसे छोटे से मजा आता है। जैफा तेजी तेजी से आवाज़ लगा यार मजा नहीं आ रहा ऐसे। ऊंची नहीं कहा था तेजी कहा था मैंने। पैसे कट देंगे जल्दी जल्दी जाओ। यार हमारा नंबर कब आएगा यार। जैफा तो बहुत स्लो है यार। भूल गया तो दे दे के। ओ ये दो काकियां हमारी हैं। ओ साथ ही बैठा है। खाली तो नहीं बांट रहा। अली
एक भाई ने बाढ़ दिया दूसरे की बारी उमर पार्ट में अलीना दोबारा है हो गई अलीना दोबारा एक दफा जिसका अनाउंस हो गया तरक्की हो गई है मैट्रिक फर्स्ट ईयर अभी बीच में लटकी हुई है वो सामा क्लास के हिसाब से हीट डिमांड रहा है हाँ दोबारा से नाम लो हाँ जाओ 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 वापस जाओ तुम जाओ हेलो तरक्की हो गई मैं आई हूँ इधर तो जनाब अब मैं हो चुकी हूँ थक गई हूँ अब हो रही है तैयारी घर जाने की तो मैंने कहा मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देती हूँ तो बिफोर वी से गुड बाय रिमेंबर टू टैप दैट नोटिफिकेशन बेल आइकन सो यू नेवर मिस एन अपडेट इंशाल्लाह आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग इंशाल्लाह ओके अल्लाह हाफिज़ बाय बाय टाटा गुड नाइट हम लोग भाग रहे हैं क्योंकि लास्ट ट्रेन है बिल्कुल और पीछे सब भाग रहे हैं क्योंकि लास्ट ट्रेन है और ऑरेंज ट्रेन में हमारा हाल देखो और अबू लेट है ओह अबू कहाँ है ओह माय गॉड हम लोगों ने ट्रेन करीना कपूर की तरह पकड़ी है ओह माय गॉड आखिरी है ये सुजना हुआ ये मैंने दे दिया कि हम लोग यहाँ पे ऑरेंज ट्रेन पर आए 10 बज चुके हैं कि उन्होंने कहा कि ट्रेन अब लास्ट है अब आप नहीं जा सकते फिर दोबारा उन्होंने वापस बुलाया क्या लास्ट ट्रेन है चले जाओ और अब हम आ गए ऊपर ऐसे भागे हैं ना ऊपर